छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव के बाद मतदान नहीं करने वाले चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रदेश में इस बार शहरी मतदाताओं की तुलना में ग्रामीण वोटरों ने अपना मताधिकार का महत्व ज्यादा बेहतर समझा। ग्रामीण वोटरों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लिया। शहरों में नजदीक में ही मतदान केंद्र की सुविधा होने के बावजूद लोग मतदान के लिए कम निकले। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 3 नवंबर को 20 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं। इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में लगभग 2,03,00,000 से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिसमें लगभग 48,00,000 लोग वोट डालने ही नहीं पहुंचे। निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए सभी जतन के बाद भी मतदाता जागरूक नहीं हुए। दो चरण में हुए मतदान के बाद निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोट प्रतिशत जारी किया और वो आंकड़ा था 76.31% मतदान। वोट नहीं डालने वाले में सबसे अधिक बड़े शहरों के लोग हैं। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा में ही 10,00,000 वोटर ने वोट नहीं डाला। मतलब इन शहरों में पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटिंग का ग्राफ और नीचे गिरा। क्या रायपुर के 4 विधानसभा में 6% कम वोटिंग हुई। रायपुर उत्तर में 55.59%, रायपुर पश्चिम में 55.94%, रायपुर दक्षिण में 60.20%, रायपुर ग्रामीण में 58.55%, बिलासपुर विधानसभा में 56.39%, दुर्ग शहर 66.36%। बात करें भिलाई नगर की तो यहाँ 66.34% वोट पड़े, वहीं वैशाली नगर में 65.71% और कोरबा में महज 66.77% मतदान हुआ। वहीं 90% सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 में से 28 सीटों पर 2018 चुनाव के मुकाबले 2-5% अधिक मतदान हुआ। बस्तर संभाग में अंतागढ़ में 79.79%, भानुप्रतापपुर में 81%, कांकेर में 81.14%, केशकाल में 81.89%, कोड़ागांव 82.37%, नारायणपुर में 75.06%, बस्तर में 84.67%, चित्रकूट में 81.76%, वहीं दंतेवाड़ा में 69.88% मतदान पड़ा, बीजापुर में 48.37% और कोंटा में 63.14% मतदान हुआ। इसी तरह सरगुजा संभाग में भरतपुर सोनहत में 83.76%, प्रतापपुर में 83.45%, रामानुजगंज में 83.51%, सामरी में 83.44%, लुंड्रा में 85.03%, सीतापुर में 81.41%, वहीं जशपुर में 75.86% मतदान पड़े। बात करें कुनकरी की तो वहां 77.26% मतदान पड़े, वहीं पथल गांव में 78.76% मतदान हुआ। बिलासपुर संभाग में लैलूंगा में 85.52%, धर्मजयगढ़ में 86%, रामपुर में 79.36%, पाली तानाखार में 80.73% और मरवाही में 78.31% मतदान हुआ। रायपुर संभाग में बिंद्रानवागढ़ में 86.02% और सिहावा में 87.64% मतदान हुआ। दुर्ग संभाग की बात करें तो डोंडी लोहार में 81.89% और मोहला मानपुर में 79.38% मतदान हुआ। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने तो इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ईडी आईटी भेजकर व्यापारी वर्ग को परेशान किया, व्यापारी परेशान है, आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। सारी बोर्ड इसलिए नाराज है, मोदी ने कुछ नहीं किया।
और अमित शाह ने कुछ नहीं किया, खाली आवाय आवाय में घूमना, ईडी सीडी परेशान करना, इसलिए व्यापारी लोग बहुत परेशान है। तो जीएसटी में परेशान है, इसलिए आने वाला सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा और देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, जीएसटी का नियम है वो बड़े लोगों के पास लगेगा, छोटे लोगों का जीएसटी खत्म करेगा, इसलिए लोग नहीं दिए। अच्छा क्या लगता है व्यापारियों को नोटिस, इसलिए तो जीएसटी में सार में वोट नहीं पड़ा है। कभी भी इतना प्रधानमंत्री बने देश में, देश का नियम कानून कहती है, कोई शिकायत करने से करना है, इन लोग कल ऊपर से जीएसटी लगा के ये जो व्यापारी लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, व्यापारी अपना मेहनत करके बाल बच्चे को छोड़ के बाजार बोवा टोरा रात दिन मेहनत करके कर रहे हैं, उसके ऊपर परेशानी करने से व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनेगा। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये काफी चिंता का विषय है, चुनाव आयोग से लेकर सभी दल इस बात की अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। शहर के अंदर कांग्रेस सरकार कहती है प्रदेश में उनकी सरकार अच्छी चली, शहरों का विकास हुआ तो सिटिंग सरकार सवाल का जवाब दे, शहरों में क्यों वोट नहीं पड़े, मतदाताओं के वोटों का बंटवारा नहीं होता, ग्रामीण या शहरी अपने हिसाब से वोट करते हैं। देखिए वास्तव में पहली चीज यह है कि यदि 48 लाख वोटर्स ने वोट नहीं दिया है तो ये चिंता का विषय है। बावजूद इसके जबकि चुनाव आयोग से लेकर सभी दल इस बात का अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, अपने मतों का प्रकटीकरण होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस यदि कहती है कि शहरों के अंदर में 48 लाख वोट नहीं पड़े हैं और ये बीजेपी की कमजोरी है, तो कम से कम पहले इस बात को स्वीकार तो करें। समय समय पर ये क्यों कहते हैं कि शहरों के अंदर में अब बीजेपी कमजोर है? यदि ये वो मानते हैं कि शहर के अंदर में 48 लाख वोटर्स वोट नहीं डाले हैं, बात ऐसा नहीं है। यदि भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश के अंदर में अच्छी चली, शहरों के अंदर में भी विकास हुआ, तो प्रश्न तो सिटिंग जो सरकार है उसके साथ में होना चाहिए कि आखिर शहरों के अंदर में भी वोट क्यों नहीं पड़े हैं। मतदाता जो होता है उसका कोई वोटों का बंटवारा नहीं होता, मतदाता चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, वो अपने हिसाब से वोट करता है, जिस पार्टी को चाहता है वहाँ पर वोट करता है। और आप देखेंगे इस बार ग्रामीण मतदाता भी भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हम शहर भी जीतेंगे और हम गाँव भी जीतेंगे और इस प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। बहरहाल 90 सीटों पर मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों को 3 दिसंबर का इंतजार है। मतगणना के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रामीण आदिवासियों ने किसका दामन थामा और शहरी मतदाताओं के कम वोटिंग से किस पार्टी का समीकरण बिगड़ेगा। लोकमत हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।